अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आप लोग देख रहे हैं किंग ऑफ वर्ल्ड। तो दोस्तों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ थ्री अमेजिंग वर्ड्स ऑफ ट्रिक, कुछ लेटेस्ट ट्रिक्स हैं जो आपको आने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा पसंद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ऑफकोर्स इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और हाँ, अभी तक क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, फटाफट से व्हाट्सअप को ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से व्हाट्सअप को ओपन कर लेता हूँ। आप जैसे ही व्हाट्सअप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो होगा। आप किसी भी नंबर पर क्लिक करें, जैसे मैं इस नंबर पर क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहला ट्रिक्स ये है कि हम वॉलपेपर को कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके पीछे हम वॉलपेपर लगा सकते हैं। जी हाँ, हम इसके पीछे वॉलपेपर को लगा सकते हैं। ये अभी कुछ हमें इतनी अच्छी लुक प्रोवाइड नहीं कर रहा। हम इसके पीछे वॉलपेपर को लगाना चाहते हैं तो हमें सिंपली यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा। थ्री डॉट पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे पाँचवें नंबर पे ऑप्शन मिलता है वॉलपेपर का। हमें सिंपली वॉलपेपर पे क्लिक करना है। ये हमारे पास इतनी सारे ये शो हो जाते हैं। तो हमें अगर हम गैलरी से कोई तस्वीर लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, सॉलिड कलर भी लगा सकते हैं। अगर आपने बिल्कुल नहीं चाहिए, सादा चाहिए, पूरा वाइट चाहिए, तो आप नो वॉलपेपर कर सकते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है, तो मैं सॉलिड कलर लगाता हूँ। तो मैं सॉलिड पे क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि मुझे कोई कलर पसंद है, जैसे कि मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे सेट के बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पीछे सेट हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक्स है, जो काफ़ी अच्छा लगता है ये मुझे, कि पीछे आप जो अच्छा लग रहा है, पहले से तो अच्छा लग रहा है वो। अब हम इसके पीछे कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं और भी बहुत कुछ लगा सकते हैं। तो दूसरे अमेजिंग ट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो दूसरा अमेजिंग ट्रिक्स ये है कि हम अपने गूगल कीबोर्ड में ही हम उर्दू कर सकते हैं। जी हाँ, हम अपने गूगल कीबोर्ड में ही उर्दू को लाकर उर्दू टाइप कर सकते हैं। अब हमें एप्लीकेशन की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं, अब हमें प्ले स्टोर पर उर्दू कीबोर्ड सर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लोग अक्सर प्ले स्टोर पर सर्च कर रहे होते हैं उर्दू कीबोर्ड। जो मैं आपको बता दूँ, जो उर्दू कीबोर्ड जो आप डाउनलोड करते हैं ना अपने मोबाइल में, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। कैसे ख़तरनाक होती हैं कि आप उनमें वेबसाइट वगैरह में आप टाइप कर रहे होते हो तो वो आपका सारा डाटा कलेक्ट करके आगे भेज रही होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल कीबोर्ड में ही उर्दू को इस्तेमाल करें। कैसे इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सिंपली ये स्पेस का बटन दिख रहा है जहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है, आपने यूँ स्वाइप करना है इसके बटन पे, ये उर्दू आ गया। अब हम यहाँ से उर्दू लिख सकते हैं। अब हमें फिर इंग्लिश चाहिए तो हम फिर ऐसे स्वाइप करेंगे तो इंग्लिश आ गया, फिर हम स्वाइप करेंगे तो उर्दू, और यहाँ से हम उर्दू लिख सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा है कि अब हमें प्ले स्टोर से कोई ऐप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने गूगल कीबोर्ड में ही लिख सकते हैं। थ्री अमेजिंग ट्रिक्स की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। थ्री अमेजिंग ट्रिक्स ये है कि आप बोलते जाएं और आपका गूगल कीबोर्ड ही लिखता जाए। कोई और कीबोर्ड की मैं बात नहीं कर रहा, मैं गूगल कीबोर्ड की ही बात कर रहा हूँ। गूगल कीबोर्ड ही आपका लिखता जाए। तो सिंपली हमें इस स्पेस का बटन जहाँ इंग्लिश है उस पर उसको दबा के रखना है। दबा के रखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ कहता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो अभी मेरे पास नेट सही नहीं चल रहा, नेट की डेटा सही नहीं आ रही है। तो जैसे ही मैं कहूँगा तो वो लिखता जाएगा। जैसे अभी नेट सही नहीं आ रहा, अगर नेट आपका सही है तो आप यहाँ से जो जो बोलेंगे वो ये यहाँ लिखता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो आई होगी काफ़ी ज़्यादा पसंद। अगर आपको पसंद आई तो ऑफकोर्स इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तब तक ये मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड।